सबसे पहले जाते हैं एटॉमिक नंबर के हिसाब से। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1। हीलियम का कितना है? 2। लिथियम का? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सोडियम का? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। ठीक है, सबसे पहले चीज जो हम लोग स्टडी करेंगे वो क्या करेंगे, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाइड्रोजन का क्या होगा? 1। हीलियम का कितना हो जाएगा? 2। लिथियम का कितना होगा? 2.1। सोडियम का कितना होगा? 2.8.1। पोटेशियम का कितना होगा? 2.8.8.1। बेरिलियम का कितना होगा? 2.2। मैग्नीशियम का 2.8.2। कैल्शियम का कितना होगा? ठीक है ना। बोरॉन का 2.3, एल्यूमिनियम का 2.8.3, कार्बन का 2.4, 2.5, 2.8, 5, 2.6, 2.8, 6, 2.7, 2.8, 7, 2.8 और 2.8, 8। कहानी नंबर 1, सबसे पहली कहानी। सबसे पहली कहानी ये है कि हमको अगर किसी एलिमेंट का ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर पता करना होगा तो हम कैसे करेंगे। तो हमने बोला क्योंकि यहाँ पर सिर्फ के शेल भरा हुआ है, तो क्योंकि यहाँ पर सिर्फ के शेल भरा हुआ है और एक ही शेल भरा हुआ है, तो इस पीरियड को क्या नहीं देंगे हम नंबर? तो इस पीरियड का नंबर क्या हुआ? 1। यहाँ पर के भी भरा हुआ है और एल भी भरा हुआ है सभी में, तो क्योंकि दो शेल भरे हैं तो इसका पीरियड नंबर क्या हो जाएगा? 2। यहाँ पर के भी भरा हुआ है, एल भी भरा हुआ है, एम भी भरा हुआ है, देखो सभी में तीन तीन शेल भरे हुए, तो इसका पीरियड नंबर क्या हो जाएगा? 3। इसमें के एल एम एन, के एल एम एन चार चार शेल भरे हुए, तो इसका पीरियड नंबर क्या हो जाएगा? 4। तो दिस इज योर पीरियड नंबर 4। ग्रुप नंबर कैसे डिटरमाइन करेंगे? ग्रुप नंबर डिटरमाइन करने के लिए हम लोग क्या देखेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। क्या देखेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द, ठीक है ना, इसके पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, 1, 1, 1। तो इसको क्या दे लेंगे ग्रुप नंबर 1। इसके पास आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं? 2। तो इसको क्या डालेंगे ग्रुप नंबर 2। इसके पास आउटर शेल में कितने हैं? 3। तो इसको क्या डालेंगे ग्रुप नंबर 13। इसके पास आउटर शेल में कितने हैं? 4। तो इसे क्या डालेंगे ग्रुप नंबर 14। इसके पास आउटर शेल मोस्ट शेल में कितने हैं? 5। तो ग्रुप नंबर कितना? 15। इसके पास आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं? 6। तो इसका ग्रुप नंबर कितना? 16। इसके पास आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं? 7। तो ग्रुप नंबर कितना? 17। इसके पास आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं? 8। तो इसके इसका ग्रुप नंबर कितना? 18। क्या ये कहानी क्लियर है? ठीक है, अगर मुझे कभी भी बोलते हैं रैंडमली कि मुझे इस एटम का पोजीशन बताओ पीरियोडिक टेबल, तो कैसे बताऊंगी इस एटम का पोजीशन? बोलूंगी क्योंकि के और एल भरे हुए हैं, तो दो शेल भरे हुए हैं तो पीरियड नंबर क्या होगा? 2। और आउटर मोस्ट शेल में क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप नंबर कितना होगा? 15। क्या ये कहानी क्लियर है सभी को? ठीक है ना। अब पहले ट्रेंड पे आते हैं। हमारा पहला ट्रेंड क्या होता है बेटा? वैलेंसी। हमारा पहला ट्रेंड क्या होता है? जरा ध्यान से देखो, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने पहले वैलेंसी नहीं देखते, पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखते। पहले क्या देखेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पर? 1। यहाँ पर 2। यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखने जाएंगे तो कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है ना। यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखने जाएंगे तो यहाँ पर कितने 1 और यहाँ पर कितने 2। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ ही साथ हम लोग क्या देखेंगे? वैलेंसी। जिसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है उसकी वैलेंसी भी कितनी होगी? 1। इसकी वैलेंसी भी कितनी होगी? 0। क्यों 0 होगी? क्योंकि के शेल कंप्लीटली फिल्ड है, क्योंकि के शेल कंप्लीटली
फिल्ड है तो ये ना देगा और ना लेगा। इसका कौन सा शेल कंप्लीटली फिल है? एल कंप्लीटली फिल्ड है, यहाँ पर एम कंप्लीटली फिल्ड है। तो ये जो पूरा ग्रुप है इसको हम अपना मानते हैं कि पराया? पराया, ये किसी से बात नहीं करता है, ये किसी से व्यवहार नहीं रखता है, हाँ ठीक है, ये अपने एटीट्यूड में चलता है। क्यों? क्योंकि इसका आउटरमोस्ट शेल क्या है? फुल है। तो ये अमीर इंसान है, ये किसी से बात करेगा क्या? नहीं। तो इसकी पूरे की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? जीरो। कितनी हो जाएगी? आया क्या समझ में? लेकिन ये देखें तो जब हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ब्रैकेट में डाल देते हैं हमारा वैलेंसी कट्रेंट, तो इसका वैलेंसी कितना होगा? वन, इसका टू, इसका थ्री, इसका फोर, इसका थ्री, इसका टू, इसका वन, ठीक है क्या? क्यों? क्योंकि जब आपके पास आउटरमोस्ट शेल में एक दो या तीन इलेक्ट्रॉन है तो आप आउटरमोस्ट शेल में आठ करने के लिए क्या करोगे? पहले वाले में केस में, एलआई के केस में एक लूज कर दोगे, बी के केस में दो लूज कर दोगे, बी के केस में तीन लूज कर दोगे। आ रही है क्या बात समझ में? ताकि मेरे पास बचे ही सिर्फ के शेल। सिमिलरली जब यहाँ देखेंगे हम लोग वैलेंसी, जब हम लोग यहाँ देखेंगे वैलेंसी, तो ये एक लूज करना प्रेफर करेगा और इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने हो जाएंगे? आठ। ये दो लूज करना प्रेफर करेगा और इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने हो जाएंगे? आठ। ये तीन, ये शेयर करेगा, अब ये क्या करेगा? पांच देगा कि तीन लेगा? तीन लेगा, तो इसकी वैलेंसी कितनी? थ्री। ये क्या करेगा? छह देगा कि दो लेगा? तो इसकी वैलेंसी कितनी? टू। ये क्या करेगा? एक देगा, सॉरी, एक लेगा कि सात देगा? आया समझ में? ठीक है। तो अगर हम लोग वैलेंसी का ट्रेंड देखें तो लेफ्ट टू राइट कैसा जा रहा है? वन टू थ्री फोर, थ्री टू वन जीरो। और अगर टॉप टू बॉटम देखें तो पूरे ग्रुप वन की वैलेंसी कितनी है? वन। ग्रुप टू की वैलेंसी कितनी है? टू की वैलेंसी कितनी है? टू। थर्टीन की वैलेंसी कितनी है? थ्री। फोर्टीन की वैलेंसी कितनी है? फोर। फिफ्टीन की वैलेंसी कितनी है? थ्री। वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? पांच। वैलेंसी कितनी है? थ्री, ठीक है ना। 16 की वैलेंसी कितनी है? टू। 17 की वैलेंसी कितनी है? ओके। और 18 तो जीरो। आया समझ में? अब आते हैं किस चीज से बेटा? अब आते हैं एटॉमिक साइज पे। अब आते हैं किस पे? एटॉमिक, ठीक है ना। हमें क्या करना है? हमें याद रखना, अभी पहले इसको थोड़ा सा एलिमिनेट कर इसको, हमको हाइड्रोजन और हीलियम से बहुत ज्यादा प्यार नहीं है, ठीक है ना। हमको जो पहला कंप्लीट पीरियड दिख रहा है वो कौन सा दिख रहा है बेटा? लिथियम से लेके, चीज हम लोग क्या देखेंगे? एटॉमिक साइज। सबसे पहली चीज हम लोग क्या देखेंगे? एटॉमिक साइज, ठीक है ना। तो जब हम लोग एटॉमिक साइज की बात करते हैं, जब हम लोग एटॉमिक साइज की बात, ये अलग खुश हो जाती है एकदम, तो एटॉमिक साइज की बात करते हैं तो लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट क्या होगा? एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा, ठीक है। जब हम लोग एटॉमिक साइज की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट इज एटॉमिक साइज? तो एटॉमिक साइज इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटरमोस्ट शेल। फिर से बोलो, व्हाट इज एटॉमिक साइज? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटरमोस्ट शेल। और जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे, जब हम लोग कहां तक? यहां तक, क्योंकि नोबल गैसेस तो किसी से बात नहीं करती, तो उसका कोई कंपैरिजन करेंगे क्या? नहीं। तो हम लोग जब लिथियम से लेके फ्लोरीन तक जाएंगे या सोडियम से लेके क्लोरीन तक जाएंगे तो एटॉमिक साइज वुड डिक्रीज, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, ठीक है ना, इसको याद रखना है। जब हम लोग टॉप टू बॉटम जाएंगे, जब हम लोग टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज, क्योंकि नंबर ऑफ इंक्रीज तो एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, एटॉमिक साइज। तो मुद्दा ये उठता है कि लेफ्ट टू राइट में क्यों डिक्रीज हो रहा है? तो हम लोग कहते हैं जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हर बार एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, देखो बढ़ रहा है, हर बार एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है क्या? हाँ। लेकिन वो जो इलेक्ट्रॉन बढ़ता है वो नए शेल में जाता है कि उसी शेल में जाता है? देखो एम में जा रहा है, ठीक है। ऐसे में न्यूक्लियर का जो चार्ज रहता है, जब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता है तो एक प्रोटॉन भी बढ़ता है, और न्यूक्लियर चार्ज प्रोटॉन बढ़ने से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है।
ऐसे में वो आउटरमोस्ट शेल को और स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो क्योंकि वो आउटरमोस्ट शेल को बहुत स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो क्या होता है, एटॉमिक साइज कम हो जाता है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटरमोस्ट शेल डिक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और न्यूक्लियस अब आउटरमोस्ट शेल को पहले से ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। यानी कि सोडियम का न्यूक्लियस एम शेल को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा कि मैग्नीशियम का? तो क्या मैग्नीशियम का आउटरमोस्ट शेल न्यूक्लियस के ज्यादा पास आ जाएगा? हाँ। तो क्या इसलिए एटम का साइज जब तक हम लोग क्लोरीन तक पहुंचेंगे तब तक छोटा होता जाएगा क्या? हाँ, क्लियर है क्या? आगे जाएं, ठीक है। एटॉमिक साइज का मतलब क्या हुआ कि आउटरमोस्ट शेल न्यूक्लियस के कितने पास है? आउटरमोस्ट शेल न्यूक्लियस के जितने पास होगा क्या एटम के लिए उतना ही डिफिकल्ट होगा इलेक्ट्रॉन देना? आराम से सोचो, आउटरमोस्ट शेल न्यूक्लियस से जितना पास होगा क्या उस एटम के लिए उतना डिफिकल्ट होगा इलेक्ट्रॉन लूज करना? हाँ, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज उसको छोड़ेगा नहीं। तो जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि लेफ्ट टू राइट साइज कम होता जाता है, तो क्योंकि लेफ्ट टू राइट साइज कम होता जाता है तो क्या एटम के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेट करना मुश्किल होता जाता होगा? क्योंकि एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है तो इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर एन एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन। अब अगर उसके लिए इलेक्ट्रॉन लूज करना डिफिकल्ट हो रहा है तो क्या वो मुश्किल से पॉजिटिव चार्ज बनाएगा? हाँ, इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर एन एटम टू फॉर्म अ कैटायन, यानी कि उसका मेटालिक कैरेक्टर कम होता जाता है। अच्छा, मेटालिक कैरेक्टर का दूसरा नाम क्या है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर। क्या है उसका नाम? इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर। तो हम लोगों ने बोला क्या कि जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा, और क्योंकि लेफ्ट टू राइट में एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा तो एटम के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा क्या इलेक्ट्रॉन लूज करना? यानी कि एटम के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा टू अक्वायर अ पॉजिटिव चार्ज, और इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? मेटालिक कैरेक्टर। तो हम लोग क्या बोलेंगे? मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। क्या ये कहानी समझ में आई? हाँ के नहीं? लेकिन अगर यही कहानी हम लोग टॉप टू बॉटम करें, यही कहानी अगर हम लोग कहाँ करें, टॉप टू बॉटम, क्या नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं? हाँ। क्या एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है? हाँ। यानी कि अगर हम लोग टॉप टू बॉटम की बात करें तो हम लोग लिख सकते हैं इट बिकम्स इजी फॉर एन एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन। हाँ, एटम के लिए इलेक्ट्रॉन लूज करना क्या हो जाता है? आसान। यानी कि टू फॉर्म कैटायन भी बहुत आसान हो जाता है। हाँ, क्या इसका मतलब ये हुआ कि मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है? बोलो, कोई परेशानी? बोल बेटा। अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन, किसने पूछा? मुमीन। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो कंपैरेटिवली उसका साइज बड़ा है तो उसका एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा इजीली लूज हो जाएगा। एल्यूमिनियम बेचारे को तो तीन करने, मतलब समझ, अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करने में 1.12 किलो जूल ऑफ एनर्जी लगती है तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने में इसकी 3 टाइम्स ज्यादा एनर्जी लगेगी, और 3 से भी ज्यादा लगती है। क्यों? क्योंकि जब आप एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हो तो न्यूक्लियस और इसको क्या करता है? स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करता है। आप दूसरा लूज कर दोगे, इसको हम लोग पता है जब हायर केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो कहते हैं अगर एल्यूमिनियम है ना तो इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम के पास 3 आयनाइजेशन एंथैल्पी लगेगी। कितनी? 3। जब उसने पहला लूज किया तो समझो उसमें अगर 1000 जूल एनर्जी लगी तो दूसरा करने के लिए उसको क्या लगेगी? 1000 से थोड़ी ज्यादा, क्योंकि अब न्यूक्लियस और स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि पहले 10 पॉजिटिव 13 पॉजिटिव 13 नेगेटिव को अट्रैक्ट करते। अब अगर एक नेगेटिव चला गया तो 13 पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करे? 12 नेगेटिव को। एक और चला गया तो 13 पॉजिटिव
11 नेगेटिव को, तो जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन, यू नो, पहला इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन लूज करने में कंपैरेटिवली एनर्जी ज्यादा लगती है, तीसरा लूज करने में और ज्यादा लगती है, मतलब मेहनत भी ज्यादा है। तो ऐसे में इसलिए हम लोग कहते हैं कि सोडियम जो है वो ज्यादा मेटालिक है इन कंपेरिजन टू मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर हम लोग किस बेसिस पे देखते हैं, ईज ऑन लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि आप कितनी आसानी से एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या कर सकते हो, पॉजिटिव चार्ज अक्वायर कर सकते हो। आया समझ में? कहानी आगे बढ़ाऊं? ठीक है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। अब सिंपल सा लॉजिक है कि अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो क्या एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है? हाँ, तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो क्या एटम बाहर से घूमते हुए इलेक्ट्रॉन को फटाफट कैप्चर कर लेगा? यानी कि अब इलेक्ट्रॉन गेन करना क्या इजी हो गया? हाँ, तो हम लोग लिखें क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है तो इट बिकम्स इजियर इजियर फॉर एन एटम टू गेन इलेक्ट्रॉन। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो एक नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा, तो ऐसे में नॉन मेटालिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। आया समझ में? अच्छा, क्या नॉन मेटालिक कैरेक्टर का ही दूसरा नाम इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर है क्या? हाँ, इलेक्ट्रो नेगेटिव नेचर भी क्या होता है उसका, बढ़ जाता है। आया समझ में? यही कहानी अगर हम लोग टॉप टू बॉटम स्टडी करें तो क्या टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता जा रहा है? हाँ, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस। अगर इलेक्ट्रिक न्यूक्लियर, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है? कम हो रहा है, तो क्या आसान है, इलेक्ट्रॉन लेना कि इलेक्ट्रॉन देना? देना देना, यानी कि इलेक्ट्रॉन लेना तो डिफिकल्ट हो गया, ठीक है ना? तो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू गेन इलेक्ट्रॉन। इट बिकम्स डिफिकल्ट टू गेन इलेक्ट्रॉन। गेन इलेक्ट्रॉन डिफिकल्ट मतलब अक्वायर नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज अक्वायर करना क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट। और इसका मतलब नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा कि कम होगा? तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। आया क्या समझ? आराम से देखो, घूरो, समझो, कोई डाउट है तो मुझसे। हमेशा याद रखना, मेटल की जो रिएक्टिविटी होती है, एक मिनट, एक चीज और अच्छी याद बता देते हैं। जब हम लोग मेटल की रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। आराम से समझना, यानी कि जिसका साइज जितना बड़ा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा। यानी कि अगर आपसे पूछ रहे हैं कि कोई मेटल है, यानी कि ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 13 के एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी? 1 वाले की। लेकिन ये ग्रुप की बात हुई। लेकिन अगर पीरियड की बात कर रहे हो कि 1, 2, 3, 4 मेटल है, तो इसमें से किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी? तो 4th की, क्योंकि जिसका साइज सबसे ज्यादा बड़ा मेटल के केस में उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा। आई बात समझ में? लेकिन यही कहानी अगर हम लोग नॉन मेटल के लिए करें, यही कहानी अगर हम लोग नॉन मेटल के लिए करें, तो नॉन मेटल की जो रिएक्टिविटी होती है, नॉन मेटल की जो रिएक्टिविटी होती है वो किसके पर प्रपोर्शनल होती है? इनवर्सली प्रपोर्शनल टू साइज। यानी कि जिसका साइज बड़ा उसकी रिएक्टिविटी बहुत कम, और जिसका साइज सबसे छोटा उसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा। यानी कि अगर ग्रुप की बात करें तो नॉन मेटल्स कौन से ग्रुप से स्टार्ट होते हैं? 14 से। तो
14, 15, 16, 17 में से सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी? 17 की। और अगर पीरियड की बात करें, 1, 2, 3, 4, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी? 1। हालांकि 1 में तो हीलियम आ जाता है, तो आइडियल आंसर कितना हो जाएगा? 2, मतलब फ्लोरीन। आई बात समझ में? वो लोग तुमसे पूछते हैं मोस्ट मेटालिक मेटल कौन, मतलब मोस्ट मेटालिक कैरेक्टर किसका पीरियोडिक टेबल में, तो ग्रुप 1 के पीरियड 4 के एलिमेंट का। तुमसे पूछते हैं मोस्ट नॉन मेटालिक एलिमेंट कौन सा है, तो ग्रुप 17 का पीरियड 2, क्योंकि उसका साइज क्या होगा? सबसे छोटा होगा। आया समझ में? बोलो हाँ कि नहीं। कि एक ग्रुप 1 का एलिमेंट है एक्स, ठीक है ना, वो कंपाउंड बना रहा है ग्रुप 17 के एलिमेंट वाई से, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? एक्स वाई। क्यों? क्योंकि 1 की वैलेंसी 1 होती है, 17 की वैलेंसी 1 होती है, तो इधर भी बन जाएगा, इधर भी बन जाएगा एक्स वाई। अब पूछते हैं नेचर ऑफ कंपाउंड क्या होगा, यानी कि हमें बताना है कि इलेक्ट्रोवैलेंट होगा कि कोवैलेंट। तो दिमाग लगाओ, अगर वो ग्रुप 1 का है तो क्या वो मेटल होगा? अगर वो ग्रुप 17 का है तो क्या वो नॉन मेटल होगा? और मेटल और नॉन मेटल के बीच में जब कंपाउंड बनेगा तो वो कैसा बनेगा? अगर यही कहानी में बोलती कि एक ग्रुप 14 का एलिमेंट है और एक ग्रुप 17 का एलिमेंट है, तो वैलेंसी इसकी तो कितनी हो जाएगी? 4, और इसकी कितनी हो जाएगी? 1। और इन दोनों के बीच में जो कंपाउंड बनाना होगा वो भी तुम बना लोगे कैसे? ये इसको बोला x, इसको बोला y, तो ये हो जाएगा xy4। लेकिन इसका नेचर क्या होगा? कोवैलेंट। क्यों? क्योंकि ये x भी नॉन मेटल है, हाँ, ये y भी क्या है? नॉन मेटल है। आई बात समझ में? तो दोनों के बीच का जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा? कोवैलेंट। मजा आया? इसके बाद वो एक और तरीके का क्वेश्चन पूछते हैं बेटा, इधर ही बोलते हैं कि एक एलिमेंट है जो ग्रुप 13 को बिलोंग करता है। किसको बिलोंग करता है ग्रुप? आपको उसके ऑक्साइड का फॉर्मूला बताना है। तो ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि ऑक्साइड की वैलेंसी कितनी है? 2। ग्रुप 13 वाले की वैलेंसी कितनी है? 3। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? X2O3। आया क्या समझ में? बोलो, कोई परेशानी? क्लियर है? अगर इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आए तो निपट लोगे, इसके बाहर कुछ नहीं आना है। अगर कोई पूछता है कि ग्रुप 18 के एलिमेंट्स का साइज बड़ा क्यों होता है, तो उसका आंसर याद करो, मैंने चीख चीख के बताया था, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, कि उनके आउटरमोस्ट शेल में पूरे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से क्या करने लगते हैं? रिपेल करने लगते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से क्या करने लगते हैं? रिपेल करने लगते हैं, तो आउटरमोस्ट शेल क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है, जिस वजह से जो 18th ग्रुप के एलिमेंट्स रहते हैं उनका साइज क्या होता है? बड़ा होता है। इज दैट क्लियर? अनोमलस क्यों बोली जाती है? क्योंकि हाइड्रोजन की जब आप पोजीशन स्टडी करोगे तो देखो क्या भाई, इसके हाँ, इसका जो आउटरमोस्ट शेल है क्योंकि उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इस हिसाब से हमने इसको लिथियम सोडियम और पोटेशियम के साथ रखा है, ठीक है ना। लेकिन देखा जाए तो ये तीनों क्या है? मेटल है, लिथियम सोडियम और पोटेशियम। लेकिन हाइड्रोजन तो क्या है? नॉन मेटल है। ये तीनों क्या है? ये मेटल है, ये भी क्या है? मेटल। ये भी क्या है? मेटल। लेकिन हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन क्या है? तो क्योंकि हाइड्रोजन नॉन मेटल है, तो फ्लोरीन भी क्या है? नॉन मेटल। क्लोरीन भी क्या है? नॉन मेटल। इसके नीचे वाले भी क्या है? नॉन मेटल। तो होने को तो क्या था, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज जो मैच करती है वो फ्लोरीन और क्लोरीन से भी करती है, और लिथियम सोडियम पोटेशियम से भी करती है। तो इसकी क्योंकि दोनों जगह से प्रॉपर्टीज क्या करती है? मैच करती है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि इसकी पोजीशन जो है वो आज तक क्या है? डिस्प्यूटेड है या अनोमलस। और बोलो,